हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूँ और ये अनबॉक्सिंग है हमारा वॉशिंग मशीन का। दोस्तों जी हाँ, आप देख सकते हैं LG का ये वॉशिंग मशीन है और LG का वॉशिंग मशीन हमने क्यों प्रेफर किया ये भी चीज़ें आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसको हम खोलते हैं, इसको ओपन करेंगे, इसका जो फीता है इसको हम हटाते हैं सबसे पहले। और हटाने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपके पास जो बिल होगा, जो आपके जेब में होगा, वो हमारा इसमें रखा गया है। ये एक यूज़र मैनुअल हो गया। उसके साथ मैं आपको दिखा दूँ तो ये रहा हमारा बिल। तो बिल दिखाते हुए पहले मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ और इसके साथ इसको कितना में ख़रीदा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है वो है LGWM7510RRAZ। जी हाँ दोस्तों, ये LG का ये मॉडल नंबर है और इसमें जो हमें पैसा लगा है वो हमें पे करना पड़ा है 13,700। आप इसे EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ LG ने लकी ड्रॉ में उन्होंने मुझे 3 कूपन भी दिए हैं, जिसको 31 दिसंबर को ये जो है कूपन रिवील किया जाएगा। अगर इसमें आपका नाम आता है तो आप एक इनाम पा सकते हैं। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और यूज़र मैनुअल आ जाता है जो कि इसमें बताया जाता है यूसेज क्या है, इंस्टॉलेशन गाइड। आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग्स आपको इसमें बताया जाएगा। मेंटेनेंस, चेकिंग बिफोर वॉशिंग, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते हुए सबसे पहले हम इसे हटाएंगे। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपको दिखेगा ये भारी भरकम वॉशिंग मशीन। अब हम इसको थोड़ा शॉर्टकट ही हटाते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसको हमने साइड कर दिया। अब जब हम इसको साइड कर देंगे इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका वॉशिंग मशीन। आप देख सकते हैं ये है LG का वॉशिंग मशीन 7510RAZ, ये आपका मॉडल हो गया। और दूसरी बात, ये सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में आपको इसी प्रकार का वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। इसका दो रीज़न है, एक तो ये हो गया कि आपको वाटर जो है सो प्रिजर्व करेगी, दूसरी बात कि इसमें थोड़ी बहुत मेहनत आपको करना होता है। अब हम इसमें आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये जो है सो 7.5 kg का है। 7.5 kg का ये हमारा, आप देख सकते हैं रोलर जेट, इस पर नाम लिखा हुआ है LG रोलर जेट। तो जब भी कभी आप जाते हैं ख़रीदने के लिए तो आपके पास ढेर सारा ऑप्शन होता है, तो उस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होता है। या तो आप ऑटोमेटिक ख़रीदते हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक ख़रीदते हैं या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक। हमने भी प्लान करके गया था कि ऑटोमेटिक ख़रीदना है, फुल्ली ऑटोमेटिक ख़रीदना है, बट जब हमने इसका रेटिंग देखा तो कमाल का रेटिंग था। और दूसरी बात यह है कि इसमें PCB लगा हुआ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें PCB लगा हुआ था इसके अंदर, जिसके ख़राब होने के वजह से इसका जो कीमत होता है, जो जिस जैसे इसका दाम हो गया 14,000 रुपया, तो 6,000 से 7,000 का सिर्फ इसका PCB आता है। वैसे ही अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें होता है। दूसरी बात कि ये 5 साल के वारंटी के साथ आता है। इसमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने ये देखा, ये हो गया हमारा वॉश करने के लिए, ये हो गया हमारा ड्राई करने के लिए। ड्राई करने वाला जो है ये बिल्कुल ये मूविंग करता रहता है इसके अंदर में और ये ड्राई करता है। इसी तरह से जब आप इसको देखते हैं, इसमें हमें जो मिला है वो क्या मिला है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो हमें मिला है वो हमें मिला है पाइप मिला है। जी हाँ, ये पाइप जो होती है इसको आपको वाटर के लिए ज़रूरी पड़ता है। आप देख सकते हैं, वैसे मैं इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये छोटा पाइप, पतली वाली जो पाइप है, इसको आप इसमें लगाएंगे जो कि वाटर इन करेगा। इसके अंदर में पानी आएगा, पानी आने के बाद इसमें आप डिटर्जेंट डालने के लिए, इसी में दिया हुआ है। अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूँ तो डिटर्जेंट के लिए दिया हुआ, इसको आप लगाएँगे, ऐसे करके सेट करना होता है। इसको सेट करने के बाद पानी का लेवल होता है, आप देख सकते हैं लो मीडियम हाई। पानी आप इसमें रख लीजिए, पानी रखने के बाद इसमें कपड़े डालिए और फिर लगा दीजिए इसको, है ना। यहाँ पर दिया हुआ टाइमर लगाएंगे, ये स्पिन हो गया और ये हो गया वॉश।
तो जब आप वॉश करेंगे तो इसमें आपको पानी आएगा और इसको वॉश करेगा। इसके लिए टाइमर सेट करना होता है, ये हो गया टाइमर सेट करने वाला, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। पहले आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ से पानी आउट होता है, यहाँ से पानी आपको निकलेगा जब आप साफ़ कर लेंगे, तो गंदा पानी जो होता है वो आपको यहाँ से निकलेगा। इसके बाद आप पीछे से इसका लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, अच्छा ये दूसरी बात ये भी कि ये 5 जो स्टार है, इसको 5 स्टार रेटिंग किया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा सेमी ऑटोमेटिक बिकने वाली जो प्रोडक्ट है, खास करके वॉशिंग मशीन, वो आपको ये दिखेगी। इसमें जो है सो जो एनर्जी कंजम्पशन करती है वो 0.0116 एनर्जी कंज्यूम करती है जब कभी आप इसको यूज़ करते हैं। अप्लायंस हो गया, वॉशिंग मशीन, ब्रांड मॉडल ले रखा है। इसके बाद टाइप सेमी ऑटोमेटिक है, 7.5 kg लोड कैपेसिटी है। और वाटर स्मेल तकरीबन 16.5 लीटर पानी कंज्यूम करती है। चलिए मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको चला करके भी दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा आपका ये स्विच, पावर कनेक्ट करने का जो प्लग है वो, और ये रहा स्विच। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, ये ऑन हो चुकी है। अब आपको इसमें क्या करना है, पानी डालना है, इन करना है। इन करने के बाद इसको वॉश पे लगाना है। वॉश पे लगाने के बाद टाइमर होता है, जैसे आपने कपड़ा डाला उसको ऐसे चलाएंगे, देख सकते हैं आप ये चल रही है। और ये चलते चलते क्या करेगी, वॉश करेगी। पहले आगे मूव किया, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से ये काम करती है। जब आप ऑटोमेटिक लेंगे तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि वो 360 डिग्री पे मूव करता रहता है। फ्रंट लोड आता है उसमें, उसके बाद टॉप लोड आता है। टॉप लोड जो इंटरनली साफ करता है, और फ्रंट लोड जो होता है वो सामने से साफ करता है। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे या उसके बारे में पता करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। इसी के साथ ये हो गया टाइमर। इसको आपको लगाना पड़ेगा 15 मिनट के लिए, इसको लगा करके छोड़ देना पड़ेगा। ये 15 मिनट तक चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, और आपके कपड़ा को ये वॉश करेगी। वॉश करने के बाद एक बार 15 मिनट पूरा हो जाएगा तो ये मशीन बंद हो जाएगी। इसके बाद अच्छा ये बटन फिर कौन सा हो गया, मैं आपको दिखा दूँ। ये बटन जो हुआ, ये जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर कोई सॉफ्ट कपड़ा है तो उसको आप जेंटल पर लगा दीजिए, इसके बाद आप इसको लगाइए, है ना। आप देख सकते हैं ये जेंटल के लिए वॉश करेगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर कोई लेडीज़ कपड़ा है तो इसको नॉर्मल पे रखेंगे, और जो कोई हार्ड जैसे कि जींस वगैरह हो गया तो स्ट्रॉन्ग पे रख के आप इसे वॉश करेंगे। अच्छा ये वॉश हो गया, अच्छा इसके बाद ड्राई करेंगे, ड्रेन करेंगे। ड्रेन के लिए दिया ही हुआ है, जैसे ड्रेन पे रख देंगे, इसके बाद जा करके जैसे आप ड्रेन करेंगे तो ये पानी जो होगा वो आपको बाहर निकाल लेगी, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से स्पिन टाइमर है, और स्पिन टाइमर का भी कुछ अपना यूज़ है, इसको ड्राई करने के लिए होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, ये क्या कर रही है ना, ड्राई कर रही है। ये देखिए जैसे ही इसको आप गिराएंगे तो ये ड्राई करना स्टार्ट करेगी। आप देख सकते हैं ये चलना शुरू हुई, अब आवाज़ भी आपको आ रही है। मैं इसको चाहूँ तो आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ, और जैसे एक बार आप इसको उठाएंगे ये बंद हो जाएगी। सबसे कमाल की खासियत इसकी ये है, तो ये ड्राई करने के लिए होता है। इसको आप खुले में नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये बंद कर देंगे, एक बार जैसे ही आप बंद करेंगे मशीन अपने आप स्टार्ट होगी और वो फिर ड्राई करना स्टार्ट कर देगी। चलिए तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसको यूज आप ऐसे कर सकते हैं, अभी बंद कर दिया, हमारा सारा सिस्टम बंद हो चुका है ना, ये सारा सिस्टम बंद हो गया। यहाँ पर स्पिन दिया हुआ है, स्पिन करके क्या कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। और स्पिन के लिए शायद पानी निकालना नहीं होता, शायद देख रहे हैं मशीन हिल रही है, इसका मतलब पानी निकाल रही है ना, ये पानी निकालने के लिए ही होती है शायद, आई थिंक। खैर जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिक सीख ही जाएंगे। हमने कोशिश करा आपको अनबॉक्सिंग करके ये दिखाने का कि कैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। कोशिश करें सेमी ऑटोमेटिक ही खरीदने का, क्योंकि ये आपको एक तो इफ़ेक्टिव प्राइस में आ जाता है, वैल्यू फॉर मनी बढ़िया है, 13 से 14 हज़ार 15 हज़ार के अंदर में आ जाएगी। बाकी इसका दूसरा चीज़ ये भी होता है कि चूँकि ये थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि थोड़ा सा ये मशीन है, थोड़ा सा हाथ से करना पड़ेगा, तो इसके वजह से भी ये ड्यूरेबल है।
तो आप ये खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं, आप सेमी फुल्ली ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं। कुछ लुक इस तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है सो आपका वॉशिंग मशीन दिखता है। और हमने कोशिश करा आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।